नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। 1998 आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव और बाहुबली पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के बीच हुए गोलीबारी के मामले में पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की ओर से अधिवक्ता ने एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त को मुकर्रर की है। आपको बता दें कि 1998 लोकसभा उपचुनाव के दौरान बाहुबली रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी के बीच फूलपुर कोतवाली के अंबारी पुलिस चौकी के समीप दोनों में गोलीबारी हुई थी। इसी मामले में अकबर अहमद डंपी के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि अकबर अहमद डंपी के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है और उन्हें अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त मुकर्रर की गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।